नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। इसराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध को 72 दिन होने को हैं, लेकिन इस युद्ध में अब तक शांति की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। इजरायली सेना के विमान लगातार हमास के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी पर बम बरसा रहे हैं। इस युद्ध की वजह से कई मासूमों को जान गंवानी पड़ी है। इस बीच ये खबर सामने आई है कि इजरायली सेना ने गलती से हमास के कैद में मौजूद 3 बंदूकों की हत्या कर दी। इजरायली सेना ने दावा किया है कि यह गलती से हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि बंदक खतरा हो सकते हैं। बंदूकों की हत्या को लेकर इजरायल में बवाल मच गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे दुखद घटना करार दिया है। वहीं नाराज लोगों ने तेल अवीव में इजरायली सेना के हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद इजरायली सेना ने कहा है कि गाजा को दी जाने वाली मदद उसके इलाके से होकर जा सकती है। 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब फिलिस्तीनियों को भेजी जाने वाली मदद इजरायल के रास्ते उन तक पहुंचेगी। सात अक्टूबर से इसराइल ने गाजा में 22,000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। इसके बाद से लगातार एयर स्ट्राइक जारी है, जिसमें अब तक 19 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो गए हैं। ये गाजा की आबादी का 85% हिस्सा है। गाजा पट्टी में इस वक्त बारिश भी हो रही है और इस वजह से ठंड काफी बढ़ गई है। लोगों के लिए युद्ध और बीमारी के बीच अपनी जान बचाना रोज मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी ओर इसराइल ने युद्ध विराम से साफ इनकार कर दिया। इकहत्तर दिनों से हमलों की गूंज इसराइल और गाजा पट्टी में लगातार देखने को मिल रही है। घातक मिसाइलें उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को नष्ट कर रही हैं। हर नई सुबह के साथ इस युद्ध में नए हथियार की एंट्री हो जाती है। हर नए दिन के साथ इस युद्ध में नया ऑपरेशन शुरू हो जाता है। न इसराइल की सेना रुकने को तैयार है और न ही हमास झुकने को तैयार है। दोनों के इस जंगी तेवर का अंजाम एयर स्ट्राइक, बमबारी, गोलीबारी, मरते लोग, तबाह होती इमारतों, बेघर होते बच्चों, मरीजों से लेकर अस्पतालों, बॉर्डर पर हर पल हो रही सैन्य हलचल के रूप में देखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गाजा में अब सिर्फ 11 अस्पताल वर्किंग कंडीशन में हैं। अस्पतालों में संख्या से कहीं ज्यादा मरीज भरे हुए हैं और डॉक्टर और नर्सों पर काम का बहुत दबाव है। लगातार बमबारी और हमले में शहर के कई अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। उत्तरी गाजा ही नहीं, दक्षिणी हिस्सों में भी भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन ने कहा कि इसराइल को अपने अवैध व्यवहार को लेकर नतीजे भुगतने का डर नहीं है। मिशन ने सुरक्षा परिषद से कहा कि इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसका कहना है कि युद्ध विराम की मांग के बाद भी इसराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का काम कर रहा है। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि हवास और इसराइल के बीच हो रहे युद्ध में कब विराम लग पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।